यूपी के डीजीपी ने बुलंदशहर हिंसा को बड़ी साजिश बताया है। इसी मामले में एसआईटी को आज रिपोर्ट पेश करनी है। इस हिंसा के आरोप में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी योगेश राज अब भी फरार है। बुलंदशहर हिंसा को डीजीपी ने बताया बड़ी साजिश, एसआईटी आज पेश करेगी रिपोर्ट। बुलंदशहर हिंसा पर आज सीएम योगी ने लखनऊ में बैठक की, डीजीपी एडीजी मुख्य गृह सचिव मौजूद रहे। डीजीपी ओपी सिंह ने उठाए गंभीर सवाल, पूछा वहां गाय का मांस कैसे आया, उस जगह को ही कैसे चुना गया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का मुख्य आरोपी योगेश फरार। हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, 27 लोगों को मर्डर का आरोपी बनाया गया। गोकशी के शक में हुई थी हिंसा, एक युवक की मौत भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि बुलंदशहर हिंसा एक बड़ी साजिश है, ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आने पर सारी बातें साफ होंगी। वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक लार्जर षड्यंत्र है, और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जो जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वहाँ पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहाँ के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया। विपक्ष ने बुलंदशहर हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हीं लोगों ने मारा है जो भगवान राम को बदनाम करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके हत्या कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल करके हत्या कर रहे हैं। एक तरफ भारत माता की जय बोलते हैं और दूसरी तरफ भारत माता की आत्मा को मार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश के भ्रमण पर हैं, वो उत्सव मना रहे हैं। बहादुर पुलिस अफसर मारा गया, उसको मुआवजा तो खैर नाकाफी चीज़ है, पर फिर भी आर्थिक तौर पर उस परिवार को सहारे की ज़रूरत थी, उसमें वो कंजूसी दिखा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अच्छा उदाहरण नहीं है। ये जो मॉन्स्टर क्रिएट हुआ है तो ये तो इन्हीं का क्रिएशन है, क्योंकि इन्होंने गाय की ज़िंदगी को इंसानों की ज़िंदगी से बड़ा समझा और उसका नतीजा ही निकला। संविधान में राइट टू लाइफ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है।